एसपी कुल्लू गौरव सिंह के पिछले डेढ़ साल के कार्यकाल में आज पहली बार ग्रामीणों ने उनके ऑफिस का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। लोगों का आरोप है कि कोरोना काल में सरकारी अव्यवस्था पर सवाल उठाने वाले काइस पंचायत के पूर्व प्रधान को बार बार पूछताछ के लिए बुलाने के संबंध में वे एसपी कुल्लू से बात करने गए थे, लेकिन जब वे एसपी कुल्लू से मिलने पहुंचे तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मामला ये था कि एक जवान के घर लौटने के बाद उसे क्वारंटाइन किया गया था। इसके बाद कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उस जवान को होम आइसोलेशन में भेज दिया। जब जवान को 108 एम्बुलेंस में घर लाया गया तो आसपास के ग्रामीण भड़क गए, जिसके बाद जवान को कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में भिजवाया गया। लोगों का कहना था कि जब जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उसे कोविड केयर सेंटर में रखा जाना चाहिए, न कि होम आइसोलेशन में। आज आप देख रहे हैं कि जब तो क्वारंटीन करना है तब तो आप प्रशासन की मर्जी है कि होटल में ठहरना पड़ेगा और आपको किराया देना पड़ेगा, जबकि वो व्यक्ति जो फौज से आया था वो अपने घर जाना चाहता था, उसे जबरदस्ती होटल में ठहराया गया और वहां पे बिल का भुगतान किया गया। और बिल का भुगतान भी ऐसा कि होटल वाले ने कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसका जो पैसा भी लिया वो विदाउट दस्ताने लिया। क्या ये साठगांठ नहीं है प्रशासन और होटल वालों के बीच में? और आप देख रहे हैं आज जब वो कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसको घर भेज दिया। ये कौन सी नोटिफिकेशन है? अगर सरकार के पास ऐसी कोई नोटिफिकेशन है तो सरकार जाग जाइए। प्रशासन के पास अगर ऐसी कोई नोटिफिकेशन है, प्रशासन हाथ खड़े कर दीजिए। आपके बस में नहीं रहा, जब तक कोरोना नहीं है तो आप उसको या अपने पास रख रहे हैं, जब कोरोना निकल रहा तो आप उसको घर भेज रहे हैं। ये कहां की और हमारा सीमा का प्रहरी, हमारा फौजी, उसके साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? इस सारे मामले को लेकर जब काइस पंचायत के पूर्व प्रधान ने सोशल मीडिया में प्रदेश सरकार व प्रशासन के खिलाफ सवाल उठाए तो पुलिस ने पूर्व पंचायत प्रधान को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया और उन पर वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया गया। हालांकि बार बार पूछताछ के लिए बुलाने पर काइस व आसपास की पंचायतों का एक प्रतिनिधि मंडल एसपी कुल्लू से मिला। लोगों का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आज एसपी के गेट पर एसपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज जिस प्रकार से और अभी अभी यहाँ पे हमारे जो प्रधान अरछंडी पंचायत के एंड इज अ लॉयर, सीनियर लॉयर, सीनियर कांग्रेसमैन, वो जब अपने पंचायत की तरफ से वो गए कि जी आप एक पंचायत प्रधान को कल भी बुला लिया, आज भी आप उसको बोल रहे कि थाने आइए, क्या मजाक है ये कर रहे हमारे लोग? जो सिंपल एक बात लेकर आपके पास आए कि आप पंचायत प्रतिनिधि को बार बार थाने में क्यों बुला रहे हैं, क्या दोष है, क्या FIR है, क्या उस पे कार्रवाई है, वो बात नहीं, आप उसे कह रहे हैं कि गेट आउट। स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी धरने पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोरोना को लेकर सरकार के इंतजामों पर सवाल उठाए। कुल्लू के लोग भोले भाले भी है, हिमाचल के लोग बड़े प्यार भी देते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि हम कोई ऐसी किसी के दबाव में आके कोई अफसर हमारे प्रतिनिधि को कहे कि गेट आउट। ये गेट आउट के लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, अगर कार्रवाई करनी है संक्रमण फैलाने की करिए, अपने प्रशासन पे भी करिए, आप करिए। कैसे आपके पुलिस वाला जो है बिना कोविड टेस्ट करके यहाँ पे परेड में आ गया? कैसे आपके CM ऑफिस में इतने लोग जो है वहाँ पे सुरक्षा के लोग, पहले एक किश्त पहले संक्रमण की आई, एक किश्त कल 13 लोग और संक्रमण पाए गए। कैसे इनके मंत्री इतने संक्रमित हो रहे हैं? कैसे इनके विधायक संक्रमित हो रहे हैं? क्या ये कहते हैं कि हम जनता के बीच में जाते हैं तो ये संक्रमण तब हो रहा है? नहीं, ये कभी भी कोरोना काल में जनता के बीच में नजर नहीं आए। मेहरबानी करके बंद कर दीजिए ये सारे का सारा प्रशासन का खेल, वरना ये बहुत बड़ा विस्फोट होगा जिसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कृपया करके ऐसे गैर जिम्मेवाराना बात मत कीजिए और आप पुलिस और प्रशासन के बीच में भी समन्वय उठाइए। आप क्वारंटीन सेंटर्स को चेक कीजिए, क्या वहाँ पे आपके मापदंड चेक हो रहे हैं? मेरा आपके माध्यम से यही कहना है।
अभिमान पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।